ही व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं ह्यूगो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज नेमी रिएक्शन सीरीज़ के तीसरे वीडियो में हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट और ग्रिगनार्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले दो वीडियो में हमने वुड्स रिएक्शन और कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में हमने बात किया था। वुड्स रिएक्शन में सिमेट्रिकल अल्केन बनाया था हमने और कोरे हाउस रिएक्शन में हमने अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाया था। इस रिएक्शन में हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाएंगे और उस रिएक्शन को देखेंगे और किस रिएक्शन के द्वारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय बचाने के लिए थोड़ी चीज़ें हमने लिख दिया है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हिंदी में ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ये किसी केमिकल रिएक्शन में एक रिएजेंट के फॉर्म में इस्तेमाल होता है रिएक्शन करने के लिए। इसका खोज विक्टर ग्रिगनार्ड ने 1900 ईस्वी में किया था, जिसके लिए उन्हें 1912 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMZX ठीक को ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। कैसे कहते हैं जरा अब हम इसके फॉर्मेशन को देखते हैं कि आखिर ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता कैसे। तो चलिए इनको मिटाते हैं और फिर ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपको बना करके दिखाते हैं। देखिए होता यह है कि ग्रिगनार्ड साहब जब 1900 ईस्वी में ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि अल्काइल हैलाइड लिया था और मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसको इन्होंने गर्म किया और गर्म करने के बाद अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड नामक एक पदार्थ का निर्माण हुआ। ये ज़्यादातर रिएजेंट के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ, इसलिए इस रिएजेंट को अपने ही नाम पर यानी ग्रिगनार्ड अपना नाम रखा और ये रिएजेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए इसको रिएजेंट लिख दिया। मतलब ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट हुआ। एक्स की जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रख सकते हैं। फ्लोरीन ज़्यादातर इसलिए नहीं रखते क्योंकि फ्लोरीन वायलेंट रिएक्शन देता है, काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन देता है, इसलिए उसको नहीं रखते ज्यादातर मैक्सिमम केस में। अब ये अल्काइल हैलाइड तो हो गया, अब रिएक्शन बनाए कैसे जरा देखिए। अल्काइल की जगह आप कोई भी अल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल ग्रुप रख लीजिए, इस हैलाइड की जगह आप क्लोराइड रख लीजिए। मैग्नीशियम धातु से आप रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, और गर्म करेंगे तो ये बनेगा CH3 Mg और फिर Cl। मतलब मिथाइल क्लोराइड और मैग्नीशियम ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया गया तो ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हुआ और इसी को हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहेंगे। अगर कोई सोचे कि भाई ये रिएक्शन हुआ कैसे, तो जरा देखिए मैकेनिज्म की अगर बात करें तो चलिए ये मैकेनिज्म की भी हम इसमें बात कर लेते हैं। आसान मैकेनिज्म है इसलिए बता देते हैं थोड़ा, क्योंकि बोर्ड लेवल की ज़्यादातर हम बात करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं डायरेक्ट। कहता है कि निम्न में से कौन ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, तो आपको ऑप्शन यही लगाना है, चाहे यहाँ क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, कुछ भी हो, यहाँ अल्काइल ग्रुप में कुछ भी रखा हो। मैकेनिज्म होता ये है कि देखिए यहाँ से CH3 से और Cl से एक ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है, तो जैसे ही CH3 Cl से इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेता है तो CH3 के पास पॉजिटिव मतलब ये कार्बोकेटायन और फिर क्लोराइड आयन का निर्माण होता है। और इसके बाद मैग्नीशियम आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इनको दे देता है और जब इनको देता है इलेक्ट्रॉन तो होता ये है कि ये CH3 फ्री रेडिकल बन जाता है और मैग्नीशियम के पास खुद एक फ्री रेडिकल मौजूद होता है यहाँ और फिर यहाँ क्लोराइड आयन। तो यहाँ देखिए एक फ्री रेडिकल से दूसरे फ्री रेडिकल के बीच बॉन्ड बन जाता है और जब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी पैदा हो जाता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यहाँ बॉन्ड बनता है और ये CH3 फिर Mg और फिर Cl यानी मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड लेवल में
और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि ग्रीनर रिएजेंट किसे कहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, बिल्कुल आप पूरा का पूरा ऐसे लिख लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अब नेक्स्ट चौथी मतलब नेमिंग रिएक्शन सीरीज़ का चौथा वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।